मैं भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हूँ और मेरी जो मेहनत और मेरी निष्ठा है वही मेरा सबसे बड़ा समर्थन है। और रही बात मेरे ससुर जी की आदरणीय राज्यपाल महोदय की, तो वो अपने पद की गरिमा मर्यादा और संवैधानिक दायित्वों से भलीभांति अवगत हैं और उनके जो कार्य हैं वो विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक है, संवैधानिक है। उनका इस चुनाव के प्रचार प्रसार से कोई लेना देना नहीं है। अब ये उनका घर भी है, ये जमशेदपुर क्षेत्र होने के अलावा ये उनका यहाँ उनका घर भी है। तो ऐसा नहीं कि वो चुनाव के इस माहौल में ही आना जाना कर रहे हैं, वो तो सामान्य सी बात है कि पर्व भी है तो उनका आना जाना लगा रहता है। ऐसा नहीं कि अभी वो आ जा रहे हैं, वो जब भी आते जाते हैं ये जन सैलाब आपको दिखेगा, क्योंकि उनके जो शुभ चिंतक है वो उनसे मिलने की आशा रखते हैं, उस आशा के साथ आते हैं, उनकी कुछ समस्याएं होती वो लेकर आते हैं और वो यहाँ बैठकर सुनते भी हैं उन्हें। तो जो डॉक्टर अजय सर जो हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी वो चुनावी मुद्दों पर ध्यान दें, जो जन की समस्याओं हैं उन पर ध्यान दें, हम मेरे परिवार और मेरे काम पर ध्यान दें। सबसे बड़ी बात कि मुझ पर ध्यान दें, मेरे काम पर ध्यान दें। या तो मेरी वो ज़्यादातर या तो मेरी व्यक्तिगत छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका जवाब मुझे नहीं देना। मुझे पता है इस क्षेत्र की जनता, इस क्षेत्र की सभी महिलाएं इसका जवाब उन्हें देगी, तो मैं उन्हें जवाब नहीं देना चाहूँगी। बाकी वो खुद अनुभवी हैं, समझदार हैं, तो इतना तो उन्हें भी ज्ञात होगा कि नारी का सम्मान सबसे सर्वप्रथम होता है। और रही बात मेरे ससुर जी की, तो उनका इस चुनावी प्रचार प्रसार से कोई लेना देना नहीं है बिल्कुल भी, और ये उनका घर है तो वो तो आना जाना लगा ही रहेगा जी। आप एक युवा भी हैं, महिला भी हैं, क्या चुनौतियां आपके सामने होंगी और डॉक्टर जय पाल कांग्रेस को भी थोड़ी चौथी पत्र जी इश्यूज क्या क्या रहेंगे? इश्यूज तो बहुत सारे हैं जिस पर डॉक्टर अजय सर जो हैं वो बात ही नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ हमारी परिवार की छवि धूमिल कर रहे हैं या तो किसी महिला प्रत्याशी की मेरी छवि जो है वो धूमिल करने पर लगे हुए हैं। कभी बात करते हैं कि वो सीसीटीवी कैमरा लगा देंगे घर के सामने, तो ये कोई संविधान में ये इसकी भी अनुमति नहीं है। उन्होंने भी संविधान पढ़ा होगा कि किसी महिला प्रत्याशी के घर के बाहर आप कैमरा लगाने की बात कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो वो इतने सम्मानित पद पे भी रह चुके हैं, तो उनसे ये आशा नहीं थी मेरी कि वो ऐसी बातें करेंगे। और जैसे आपने कहा कि समस्याएं, तो जनता की समस्याएं अपार होती है, उनकी एक समस्या नहीं होती, बहुत सी समस्या होती है। और मैं जब जनता के बीच में जा रही हूँ, उनकी समस्याओं से अवगत हो रही हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि जल पानी की समस्या, सड़क की समस्या, जल भराव की समस्या, ये ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो मेरा यही मोटो रहेगा कि मैं उनकी जो समस्याएं वो मुझे बता रहे हैं, मैं उसे प्राथमिकता से जो है समझूं और उनकी भावनाओं का कदर करते हुए उनकी समस्याओं को मैं हल करूं। जी मैं कैंपेन कर रही हूँ, तो मुझे खासकर महिलाएं हैं उनका जो है उत्साह बहुत बड़ा हुआ है और उनकी आशाएं भी मुझसे अब बढ़ती चली जा रही हैं। वो मुझे अपनी बहू, मैं कुछ समय तक 4 साल तक सिर्फ यहाँ की बहू थी, पर अब मैं पूरे जमशेदपुर की बहू हो गई हूँ। तो वो मेरा स्वागत उसी प्यार से, उसी आशीर्वाद के साथ वो मेरा स्वागत कर रहे हैं। मुझे यहाँ की प्रथा है खोइचा देने की, तो वो खोइचा भी मुझे शगुन के तौर पर वो दे रहे हैं।